शासनपति श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमः। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धा शील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आज तीसरा पर्युषण है, या यूं कहें आज पर्युषण महापर्व का तीसरा दिन है। पर्युषण की इस पावन वेला में धर्म ध्यान जप तप स्वाध्याय की पावन गंगा प्रवाहित हो रही है। धर्म साधना में तप और जप में आप भाई बहन श्रद्धालु जन लगे, इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है कि आप भगवान की वाणी श्रवण कर रहे, प्रभु वाणी का श्रवण करना परम सौभाग्य है, ये दुर्लभ है। जीव को बड़े पुण्यों से प्राप्त होता उस वाणी को, तीर्थंकर देशना को आप सुन रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। पर्युषण में
अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना होती है और उसे बड़ी श्रद्धा से सुना जाता है। अभी आप श्री अंतकृत दशांग सूत्र की मंगलमयी वाचना सुन रहे थे। इस वाचना में आठवें महापुरुष का वर्णन हुआ है। आठवें महापुरुष कौन थे, पहले इस बात को समझ लें और उसे समझने के लिए हम चंपा नगरी में चलते। चंपा नगरी के बाहर उद्यान में श्री सुधर्म स्वामी विराजमान थे। उनकी सन्निधि में मुनि समाज बैठा हुआ था। जम्बू स्वामी प्रश्न करते हैं, गुरुदेव भगवान महावीर ने अंतकृत दशांग सूत्र के तीसरे वर्ग में किन महापुरुषों का वर्णन किया है। सुधर्म स्वामी ने बताया जम्बू तीसरे वर्ग में 13 महापुरुषों का वर्णन हुआ है। उन 13 में से 7 महापुरुषों का वर्णन आप सुन चुके। थोड़ा सा आपको स्मरण करवा दूं। उन 7 में तो पहले 6 सहोदर भ्राता मुनियों का जिक्र था। याद आया भाइयों, कल जिक्र था। 7वें महापुरुष का नाम सारण कुमार था, उनकी चर्चा भी पहले कर चुके। 8वें महापुरुष का नाम गसुखमाल है। गसुखमाल के जीवन कथा यूं तो आप सब प्रति वर्ष सुनते हैं और समय समय पर संतों साध्वियों के मुखारविंद से प्रवचनों में सुनते रहते हैं, पढ़ते भी रहते। लेकिन गज सुखमाल मुनि की कथा एक ऐसी अद्भुत कथा है, हजार बार पढ़ने के बाद भी बार बार मन करता है और पढ़े, अनेक बार सुनने के बाद भी मन करता है और सुने।
ऐसी ही विलक्षण कथा है। बंधुओं, इनका जन्म कैसे हुआ था? वो जो जन्म की दास्तां है उसमें बड़ा कुछ है। उसमें मां की ममता है, उसमें पूरे परिवार की भावनाएं जुड़ी हैं। उनके जन्म की स्थितियां और बातें कुछ ऐसी ही थी। आपके मन में आया होगा क्या बातें, क्या स्थितियां थी। आप कल सुन रहे थे उन छह मुनियों के प्रसंग को, जब वे देवकी के यहां आए थे, माता देवकी ने आहार बहराया था और फिर एक प्रश्न हुआ था, उसका समाधान हुआ। माता देवकी फिर भगवान के पास गई, वहां वो सारी कथा सुनकर आई। ख्याल में आ गया होगा आपकी कैसे कैसे घटा था। उन मुनियों के दर्शन करके प्रसन्न मना, आनंद मना होकर माता लौटी। उसके हर्ष की कोई सीमा नहीं थी। वह बार बार अपने भाग्य की सराहना कर रही थी। मेरे ये पुत्र जिन्होंने संयम लिया, कितने महान आत्माएं हैं। मेरा बेटा कृष्ण तीन खंड का अधिपति है, मुझ जैसी मां कौन होगी। इन भावों में भरी हुई वह घर लौटी थी। आकर सिंहासन पर बैठी, मन बहुत प्रसन्न था। बंधुओं, इस मन की गति बड़ी विचित्र है। किसी ने मन की बात समझाते हुए एक बात कही, मन की स्थिति तो मक्खी जैसी है। आप कहेंगे ऐसे जीव से भला मन की तुलना क्या की गई, समझाने के लिए की गई। जैसे मक्खी उड़ती हुई आई और किसी थाल में मिठाई रखी हुई थी, वह आकर्षित हुई, मिठाई पर आकर बैठ गई, खाने लगी, चाटने लगी। कुछ देर बीती, मक्खी उड़ी, कहीं किसी के शरीर पर व्रण घाव था, उसमें मवाद थी, बह रही थी, वहां कर बैठ गई, उसे चाटने लगी। कोई प्रश्न कर पाए, अरे जी नन्हे जी, ये क्या, अभी तो तुम वहां इतनी उत्तम जगह, उत्तम पदार्थ, उत्तम मिठाई खा रही थी और अब यहां बैठी। कोई समाधान, अज्ञान है वो, उसे कुछ नहीं पता। बस बंधुओं, इस मन की भी यही दशा है। कभी कभी तो ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, क्या पूछे।
और कभी इतना नीचे गिर जाएगा उस मक्खी की तरह से। किसी ने मन की बात को इन शब्दों में कहा, उड़ जाता मस्त हवाओं में, खो जाता शाम घटाओं में, उड़ जाता मस्त हवाओं में, खो कभी धूप कभी ये छाया में, कभी मोटर रेल सवारी है, कभी धूप कभी यह छाया में, कभी मोटर रेल सवारी है। इस मन का टिकना सहज नहीं, नटखट चंचल भारी है। इस मन का टिकना सहज नहीं, ये नटखट चंचल भारी है। इस मन की ताकत के आगे यह दुनिया बिल्कुल हारी है। इस मन की ताकत के आगे यह दुनिया बिल्कुल हारी है। हाँ जी, उस क्षुद्र जी मक्खी की तरह से कभी मिठाई पर बैठा, कितने अच्छे विचार और भाव आते हैं इस मन में, कितने सुंदर विचार आते हैं। और कभी थोड़ी सी देर में कितने निकृष्ट विचार आ जाते हैं, इसका कितना पतन हो जाता है कह नहीं सकते। माता देवकी की बात चल रही थी, बहुत प्रसन्न थी वो, जब भगवान के यहां से लौटी थी, आई बैठी प्रसन्न थी, लेकिन इस मन ने करवट ली, विचार बदले। क्या विचार मन में आए, देखो मैंने सात पुत्रों को जन्म दिया, पहले छह के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था कुछ भी, उनका तो लालन पालन जो कुछ हुआ वो सब सुलसा के यहां हुआ। रही बात कृष्ण की, कृष्ण को मैंने जन्म दिया, इसका लालन पालन सब गोकुल में हुआ, यशोदा के यहां हुआ। मैंने एक मां होकर अपने संतति के लिए क्या किया, कुछ नहीं, केवल जन्म दिया, संतति के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं माता पिता के, मैंने तो एक भी नहीं किया, बच्चों का लालन पालन कुछ नहीं किया। और एक सुख होता है जिसको मातृत्व का सुख कहते हैं, मैंने तो वो भी नहीं देखा, वो भी नहीं पाया। किसी बच्चे को मैंने लाड और प्यार नहीं दिया, किसी को गोदी में लेकर नहीं देखा, किसी को दूध पिलाकर नहीं देखा, मैंने किसी बच्चे की तुतलाती हुई मधुर वाणी
नहीं सुनी। माँ बोलना सिखाती है बच्चे को और वो तुतला कर बोलता है, माँ को बड़ी खुशी होती है। मैंने तो कुछ भी नहीं की, कुछ भी नहीं देखा। कोई संतान का मातृत्व वाला जो सुख है बच्चे के प्रति, वो तो मैंने देखा ही नहीं। मैं पुण्यवान कहां हूं? ए पुण्य, ए कई पुण्य, मैं पुण्यहीन हूं। मैंने पूर्व जन्म में पुण्य नहीं किया। पुण्य किया होता तो अपने संतान का लालन पालन सब कुछ मैं करती, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कैसी मां हूं मैं? यह सोचकर माता देवकी उदास हो गई। उदासी चेहरे पर छा गई। मन उदास होता है व्यक्ति का, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुंह लटक जाता है। उदासी में बोलना भाता नहीं, कोई बात करे सुनना भी अच्छा नहीं लगता। महल में रहने वाले सब, जिनमें कृष्ण महाराज की रानियां भी थी और सेवक जन अन्य सब, विशाल परिवार था उनका, वो सब देखते हैं क्या बात है, राजमाता आज उदास है, क्या बात हो गई। कईयों ने साहस किया, समीप आए, पूछा माता क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। नहीं क्या बात है? तो अपना काम करो। आगे कौन बोले? राजमाता की सेवकों कितनी हिम्मत कहां, पुत्र वध में इतना साहस नहीं जुटा पाती कि कुछ दबाव देकर आग्रह करके पूछ लें। पूरे महल में सन्नाटा पसर गया। भोजन का समय हुआ, प्रार्थना की गई, माता भोजन का समय हो गया, कृपा करके भोजन ग्रहण कर लीजिए, मुझे नहीं खाना। क्यों माता? नहीं भूख नहीं है, मेरा मन नहीं है, कुछ ले लो, मेरी इच्छा नहीं है, तुम करो अपना काम करो। बंधुओं, ये उदासी की बात थी। वे बैठी रही, उन्हें विचारों में खोई रही, बार बार उस अतीत को सोचती रही, किन स्थितियों में कैसे पुत्रों का जन्म हुआ, क्या बीता मेरे साथ में, ऐसा तो किसी के साथ हुआ ही नहीं। इन उदासियों में बंधुओं, कब सूर्यास्त हुआ नहीं पता, रात चढ़ती गई और बीतती गई और ढलती गई, सोई नहीं, नींद नहीं आई। इतना अधिक उनका मन उदास हुआ, कुछ नहीं, किसी से बोलना नहीं, कोई शरीर के भी शुद्ध नहीं, कुछ नहीं, बस बैठी रही। सुबह हो गई, लाल लाल सूरज देरी पेमान उदय हुआ, पक्षियों ने गीत गाए, चारों ओर का सन्नाटा टूटा, लोग अपनी क्रियाओं में लगे, माता अपने स्थान से नहीं उठे। सब बहुत चिंता में थे, क्या बात क्या हुई,
क्या ऐसा हुआ माता, आज ऐसे क्यों है? और कुछ समय बीता, सभी अपने अपने क्रियाओं से निवृत्त हो रहे थे। वासुदेव श्री कृष्ण वे अपने क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके प्रातः का अपना नाश्ता लेने से पहले माता की चरण वंदना के लिए आए। कृष्ण आए, कक्ष में प्रवेश किया, देखा माता का ध्यान आज कहाँ है। पहले मैं आता था, माता बड़ी उत्सुकता और स्नेह से देखा करती, आज तो देख भी नहीं कि और ध्यान है, कहाँ ध्यान है। समीप आ गई, चरण वंदना की, अभी भी कुछ नहीं पता। दो बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है, एक पुत्र की विनय, एक विनयवान पुत्र, माता पिता का भक्त पुत्र कितना ध्यान रखता और विनय करता है माता पिता की। कृष्ण माता की चरण वंदना के लिए आए। रामायण में श्री राम का जिक्र है और वहां कहा, प्रातः काल उठे के रघुनाथा, नामै मात पिता गुरु माथा। बंधुओं, श्री राम सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं। भगवान महावीर की मातृ भक्ति अद्भुत थे, मेरी माँ को कष्ट न हो, यह उन्होंने माता के उदर में रहते हुए सोचा और जाना था, और उन्होंने अपने अंगों को समेट लिया था, मेरी माँ को कष्ट ना हो। ये महान पुत्र थे, इनकी इतनी चिंता थी अपनी माता के लिए। आज के पुत्रों को थोड़ा सोचना चाहिए अपने माता पिता की सेवा के बाद और उनके विनय और उनकी भक्ति की बात को। माता ने मुंह ठाकुर ऊपर नहीं देखा, उन्हें पता ही नहीं था कि कृष्ण आए हैं। माता के चरण छुए, थोड़ा सा स्पर्श किया, छूते हुए हिलाया, तब ध्यान टूटा। अच्छा, कृष्ण है। हाँ माता, आशीर्वाद दे दिया। पर वो बात नहीं थी जो पहले हुआ करती, बात ही नहीं थी आज तक। कृष्ण हाथ जोड़ के पूछा, माता क्या बात है, आज आप उदास हो? नहीं, कोई बात नहीं। नहीं माता, सही बताओ, सच कहो, क्या बात है, मेरे से कोई आपके अभिनय हो गई क्या? नहीं नहीं। और महल में किसी ने आपके अभिनय कर दी क्या? मुझे बताओ क्या बात है? नहीं कुछ ऐसा नहीं माता, सब मुझे बताओ, क्या बात, क्या है? ऐसा तो पहले कभी भी नहीं होता था जो आज मैं देख रहा हूं, क्या बात है? बंधुओ, अति आग्रह से माता ने मन की बात कह दी। बेटा कल ऐसे ऐसे हुआ, मुनियों की कथा बता दी, भगवान के पास जाना बता दिया, भगवान ने जो वर्ण वृत्तांत बताया वो बता दिया, और फिर अंत में कहा, बेटा मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु किसी को भी मैंने लाड नहीं किया, किसी को प्यार नहीं किया, किसी को भी खिला करके नहीं देखा, बस मेरे मन में ये दुख है। बस इतनी सी बात है, लो अब कर लो, अब क्या बात हो गई,
जो आप चाहती हो, जो आपका मन है, आप उसे पूरा कर लो। ऐसे कैसे पूरा कर लो? लो कर लो, पूरा कर लो। वासुदेव बंधुओ, अनेक विद्याओं से संपन्न होते हैं, वक्र शक्ति उनके पास होती है। उन्होंने तत्काल वक्र शक्ति का प्रयोग किया और अपना जो रूप था एक बालक का बना लिया, छोटा सा बना लिया। मां देखती रह गई कान्हा, और सामने छोटा सा खड़ा है। और फिर मां के घुटनों को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ करके बोला, प्यारे प्यारे मैया, प्यारे लाड लड़ैया, लाड दूध पिलाओगे, लाड लड़ाओगे, दूध पिलाओगे, लाड गोद में तुम्हारी, गोद में दूध के है झारे, दूध के है इस मन लाओगे, झूलना झूलाओगे, इस मन लाओगे, झूलना झूला। माता ने खिलाया, माता बाहों में झुलाया, बाहों प्यार बरसाओगे, लाड लड़ाओगे, प्यार बरसाओगे, मीठा नहीं डाला, मीठा फेंक दिया प्याला, फेंक दिया मीठा और पाजे, लाड लड़ा ओ जी, मीठा और पाजे, लाड लड़ा ओ। नन्हा सा काना, प्यारा प्यारा काना, माँ को चिमट गया। माँ हैरान, मेरा कान्हा गोदी में ले लिया, प्यार किया, सिर पुचकारा और कहा, दूध पीऊंगा। दूध मंगाया, सोने की कटोरी आ गई, दूध आ गया और चम्मच से पिलाने लगे। पीले बेटा, क्या बात है, पीले, मीठा नहीं है। और मीठा मंगवाया, डाला, फिर एक चम्मच पिला, बहुत मीठा है, मैं नहीं पीऊंगा, मीठा निकालो। बंधुओ, कान्हा की कृष्ण की लीलाएं तो अद्भुत लीलाएं, और कहूं कान्हा की लीलाएं उस बिना आंख वाले व्यक्ति ने जो देख ली, आंख वाले उसे देख नहीं पाए। और कहा, मैया कबों बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बड़ी होगी। और कहा, मैया मोही दाऊ बहुत खिंचायो, मोस कहते तो मोल कलीनो, जसोमती कब जायो। तू तो खरीद कर खरीदा था, मोल लाए थे तेरे को, तू कब है, तू हमारा नहीं है, तू तो बाहर से खरीदा हुआ है, तू यशोमती का बेटा थोड़ी है, तू तो ऐसे लाया हुआ तो था। मोसु कहते तू मोल कलीनो, जसोमती कब जायो, ऐसा कह करके हंसी उड़ाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।